हेलो स्टूडेंट्स, तो आज गुरु नीति में बायोटेक्नोलॉजी पार्ट जो सेकंड है आज डिस्कस करेंगे। मैं सर्वेश यादव, मेरे साथ हैं करण यादव सर, ठीक है। तो लास्ट गुरु नीति में सर अपन ने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 50। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और हमने इम्पोर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे रिपीट जो स्टेटमेंट्स होते हैं एग्जाम वाले, जो अपने डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, तो सबको एक बार अपन उनसे गो थ्रू हो जाएंगे ताकि एक बार पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। तो करें स्टार्ट सर। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट अबाउट गिवन फिगर। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दी है और ये फिगर जो है PBR 322 वेक्टर की है। तो एक बार सर इस फिगर को अपन एक्सप्लेन कर ही देते हैं, फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि इस फिगर से काफी सारे क्वेश्चन भी आते हैं, काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने इस स्ट्रक्चर को जो है मेंशन किया है। तो एक बार फिगर को अपन डायग्राम से तरह तरह के क्वेश्चन बन बिल्कुल सकते हैं। तो ये जो फिगर यहाँ रिप्रेजेंट की है वो है आपका PBR 322, दैट इज द आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर प्लाज्मिड। और इंपॉर्टेंट है सर, कई बार पूछ लेता है, ये जो प्लाज्मिड है ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, नेचुरली इसको बनाया गया है। और इसको बनाया भी था बोलीवर और रोड्रिगो, तभी इसका नाम भी है। देखो सर मेंशन कर रहे हैं PBR 322, इसमें पी जो है वो है प्लाज्मिड, बी बोलीवर, आर रोड्रिगोज, और 322 है उसका लेबोरेटरी ऑर्डर, एक सीक्वेंस दिया जाता है इनको। और भी एग्जांपल होते हैं, 327 है, 321 है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एडमिन वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया PUC। तो इसमें थोड़ा सा अपन फोकस कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपकी है PBR 322। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जैसे बताए वैसे याद करते जाओ। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो है सेलेक्टेबल मार्कर्स, तो यहाँ सर दो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। तो ये वाला जो सेलेक्टेबल मार्कर जिसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये है MPAMPR जीन, और ये वाला जो है ये है आपका TETR जीन। दीज आर द सेलेक्टेबल मार्कर्स, और इंपॉर्टेंट भी है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जिनको यूज करेंगे फॉर द सिलेक्शन। और ये सर मेंशन भी कर रखा है कि प्रॉपर्टीज में आता है, क्योंकि अगर आपके प्लाज्मिड में ये मार्कर्स नहीं है तो लास्ट में फिर अपन जो अपनी डिजायर्ड होस्ट सेल उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको बायोरिएक्टर में कल्चर करना है। तो ये हो गए तो आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स। और इंपॉर्टेंट है, जो मार्कर्स है या आपका जो प्लाज्मिड है उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, फॉर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सर यहाँ जो AMPR जो सेलेक्टेबल मार्कर है, इसके अंदर दो आरी साइट्स होती हैं, फॉर PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट, ये दो क्या है आपके आरी, और उनके लिए जो साइट्स है वो क्या है, विद इन AMPR। और जो TTR है इसमें भी दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ये वाली तो है फॉर BAM H1, और ये वाली जो साइट है वो है फॉर SAL1। क्लियर। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो है जीन और होती है जिसको अपन बोलते हैं रोप जीन, दैट इज रोप जीन, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, रिप्रेसर ऑफ प्रमोटर, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट कोड्स फॉर द प्रोटीन्स, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड। इसकी कितनी कॉपियां बनेंगी उसको अपने पास से डिसाइड करने का इसका ये है आपका ओरिसाइट, ओरिसाइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ओरिसाइट के बिना रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। और एनसीईआरटी में आपको दिया है, देखो ओरिसाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन एंड ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द डीएनए, जो उसके साथ डीएनए अपन लिंक करेंगे उसकी कॉपी नंबर को ओरिसाइट जो है वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। जो रोप जीन है वहां पर भी सर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है इसमें, PVU2। तो ये याद करने पड़ते हैं, डायग्राम दिया तो उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, लेबल करवा लेता हूं। इसके अलावा तीन रेस्ट्रिक्शन साइट और है, That is for EQR first, that is for CLE first, that is for HIND third. तो यहाँ देखो जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, टोटल जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कितनी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह के क्वेश्चन वो डिजाइन करेगा। एंड टू सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये रोप जीन हो गया, ये आपका ओरी साइट हो गया, जिसको अपन जनरली जो है सर यूज करते हैं जीन क्लोनिंग। दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मतलब ये अपने पास में प्लाज्मिड जिसके पास भी होगा वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन पे भी ग्रोथ करेगा और टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रोथ करेगा, जब तक कि सर बाम फर्स्ट से नहीं काटा जाए या साल फर्स्ट से, क्योंकि अगर इनसे काट करके हम अपनी जीन डालेंगे तो वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा और फिर ये बैक्टीरिया जो होगा जिसके पास से प्लाज्मिड होगा वो अपने पास में सेंसिटिव हो जाएगा इन जीन के प्रति। तो अपने पास में टोटल आठ अपने पास में
और लास्ट लेक्चर में अपन ने एक क्वेश्चन भी सर सोल्व किया था, अगर आपको जीन को लाइगेट करना है तो वो डिजायर्ड है, आपको कहीं पे भी लाइगेट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको आरी का यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने बाम H1 आरी को काम में लिया तो ऑब्वियसली जीन जो है वो TTR जीन के अंदर लाइगेट होगा। आपने अगर यूज में लिया है PVU फर्स्ट को तो ऑब्वियसली वो जीन जो उसका लाइगेशन होगा विद इन AMPR जो। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन दो में से एक का सर करवाना पड़ता है, तभी जो है अपन उसको सेलेक्ट कर पाए। और ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काफी क्वेश्चन बनेंगे, इसमें भी आएंगे आगे। तो ये अपने एक बार डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। किसी की भी साइट पूछ सकता है कि भाई इस पे किसकी साइट है, किसका इंपोर्टेंट डायग्राम होगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ROP पे किसकी साइट है, मतलब हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर खास बात इस प्लाज्मिड की यही आ रही है कि भाई हर एंजाइम की एक एक रेस्ट्रिकेशन साइट है। बिल्कुल। और अपन जब सर कैरेक्टर लिखते हैं अपने पास में वेक्टर का, तो अपन ये भी लिखते हैं कि वेक्टर पे मोर देन वन एंजाइम की रेस्ट्रिकेशन साइट होनी चाहिए, पर अपने पास में हर एंजाइम की एक रेस्ट्रिकेशन एक के लिए एक ही होनी चाहिए। हाँ, अगर एक एंजाइम की मोर देन वन रेस्ट्रिकेशन साइट होती है तो वो प्लाज्मिड अपने लिए यूजफुल नहीं होता। तो ये अपने पास में सबसे सुटेबल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियली बनाया गया है, बेटर प्लाज्मिड है। तो सारी बातें मेरे ख्याल से अपने डिस्कस कर ही लिए, सारे जो है कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। तो अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कंटेंट साल्वन एंड PVU सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट। अभी सर आपने बताया गलत है, बिल्कुल ये तो हो गया क्योंकि यहां पर बाम H1 है साल्वन के साथ, तो स्टेटमेंट वहीं आप इसको इनकरेक्ट कर दो, मार्क कर दो ताकि जी बिल्कुल। तो इसमें देख लो पूछा गया है राइट जो है कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए सर, मेरे ख्याल से 4 हो गए, एक इनकरेक्ट, इसमें सारे करेक्ट हो गए, आंसर था। नेक्स्ट, द मल्टी लिगेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ DNA इन एन ऑर्गेनिज्म नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम बिकॉज दीज क्रोमोसोम्स। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया सर NCERT का क्वेश्चन, और ये डिस्कस कर भी चुके हैं अपन। अगर आपको कोई भी जीन को किसी होस्ट सेल में आपको मल्टीप्लाई करवाना है, उसकी कॉपी बनानी है, उसको ट्रांसफर करना है, तो मेरे ख्याल से आपको वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो है कि वेक्टर करेगा क्या, उसको ओरिसाइट प्रोवाइड करेगा, और ओरिसाइट के बिना रेप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो ORI अपने पास में प्रोवाइड कराएगा वेक्टर, और वेक्टर का यूज ये होता है, नहीं तो अपन डायरेक्ट DNA डाल सकते हैं। तो इसमें सीधा स्टेट फॉरवर्ड हो जाएगा सर, इसका जो इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाज्मिड यूज्ड टू मेक द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज आइसोलेटेड फ्रॉम व्हिच बैक्टीरियम। ये भी NCERT से क्वेश्चन डिजाइन किया है, और आपके NCERT में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर एक्सपेरिमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है सर, 1971 में उसको जो है परफॉर्म किया था। और इसकी इंपॉर्टेंस है कि सबसे पहले जो RDNA है, रिकॉम्बिनेंट DNA है, वो उन्होंने जो है डिजाइन किया था, साल्मोनेला टाइफ्यूम से लिया था 1971 टू 72 के लगभग। बिल्कुल, कई बुकों में 72 भी मेंशन करते हैं सर, NCERT में जो ईयर है लेकिन उसको ही मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, तो अपने पास में 71 से लेकर के, और अपने पास में इसको साल्मोनेला से निकाला गया था, और इकोलाई में इसको ट्रांसफर किया गया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये था प्लाज्मिड। तो अपने पास में फर्स्ट जो प्लाज्मिड, जनरली क्या होता है कि अपन जब इसको देखते हैं तो अपने दिमाग में सिर्फ इकोलाई आता है, क्योंकि अपने जो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज आता है इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम आते हैं, परंतु अपने पास में जो ये किया गया था साल्मोनेला टाइफ्यूम से लिया गया था। इन्फॉर्मेटिव है, याद रखना, इन्फॉर्मेटिव है, याद रखना पड़ेगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अपने डिस्कस भी किया था लास्ट नीति में, पूरा आपने जो है एक्सप्लेन किया था उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। तो इसका जो यूज है वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, तो या उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है सर, फर्स्ट ऑप्शन देख के आंसर नहीं लगाना है कभी भी, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी है अपने को, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है आइसोलेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, बिल्कुल करेक्ट है, परंतु अपने पास में सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, मेन चीज है अपने पास में साइज के अकॉर्डिंग।
तो अपने पास में इसलिए क्या है, थोड़े शांति से तीनों चारों ऑप्शन अपने को रीड करना। बिल्कुल, यही इसलिए मिस्टेक होती है, एक बार जल्दीबाजी में अपन इग्नोर कर देते हैं आगे के ऑप्शन। नीट तो यही करवाता है, पेपर जितना हार्ड थोड़ी ना आता है, बस ये ऑप्शन पढ़ने की थोड़ी जल्दीबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड अबाउट, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था, खोजा गया था, वो आपका था हिंड हिंड सेकंड। सबसे पहले खोजा गया हिंड सेकंड था, लेकिन अपने पास में इसको खोज के सेपरेट नहीं किया। बिल्कुल सेपरेट कर, ये देखो ये जो क्रम है अपने पास में, फर्स्ट सेकंड अपन लिखते हैं, ये सेपरेशन क्रम होता है, तो उसी बैक्टीरिया से सेपरेट किया गया होगा हिंड सेकंड, फर्स्ट हिंड सेकंड से पहले। बिल्कुल, परंतु डिस्कवर्ड जो सबसे पहले किया गया था वो हिंड सेकंड था, और ये एनसीईआरटी की लाइन ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये किया था आपका, ये जो नोमेनक्लेचर उसमें आ भी जाएंगे क्वेश्चन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेन को, एंड दैट इज ये ऑर्डर ऑफ सेपरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट और 30 स्ट्रेंस ऑफ द बैक्टीरिया, ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आपको याद रखना है। एनसीईआरटी की लाइन ही है, डायरेक्ट और डायरेक्ट लाइनें तो सर आती है आजकल, मोर देन 900 से अपने पास में लगभग 230 के लगभग बैक्टीरिया, वो सॉरी मतलब अपने पास में एंडोन्यूक्लियस खोजे जा चुके हैं। बिल्कुल, और लास्ट लेक्चर में सर आपने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताया था बच्चों को कि जो आरई होते हैं वो बैक्टीरिया में होते हैं, तो एनसीईआरटी ने देखो इसमें भी मेंशन किया है कि जो आइसोलेटेड किए गए हैं वो सारे किससे, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्ट्रेन से। इसका मतलब जो आरई का सोर्स होता है वो क्या होता है, ओनली बैक्टीरिया, ओनली प्रोकैरियोट्स। दो चीज नेचर ने सिर्फ प्रोकैरियोट को दिया है, एक तो सर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेज, और एक अपने पास में आरई, जिस दोनों की रिक्वायरमेंट हायर ऑर्गेनिज्म को होती है, लेकिन दोनों दिए गए हैं प्रोकैरियोट को, इसलिए हमें प्रोकैरियोट के साथ में हमेशा एसोसिएशन बना करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इन फॉलोइंग नेम इको आर फर्स्ट आर इंडिकेट्स, ये नोमेनक्लेचर से सब नॉर्मल डिजाइन किया है, तो इसे एक बार पूछ लेता है नोमेनक्लेचर में क्या-क्या जो रूल्स हैं, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर ही दो। चार से पांच वर्ड्स होते हैं अपने पास में, तो अपने पास में जैसे पहला वर्ड जो होता है वो बैक्टीरिया के जीनस से लिया जाता है, दूसरा वर्ड जो होगा वो स्पीसीज से होंगे, सेकंड और थर्ड दो लेटर, और अपने पास में ये होगा फोर्थ वाला अपने पास में स्ट्रेन से होगा, और ये है आइसोलेशन अपने पास में कौन से नंबर पर किया गया। आइसोलेटिंग तो ये अपने पास में सिंपल सा नोमेनक्लेचर का मेथड है, और इससे क्वेश्चन आते ही है सर। तो पहला जीनस, दो अपने पास में सेकंड और थर्ड जो लेटर है वो स्पीसीज से, और फिर अपने पास में आर स्ट्रेन है, और फर्स्ट मतलब अपने पास में रोमन नंबर है, इसका मतलब कौन से क्रम पर आइसोलेटेड किया गया है। तो यहाँ पूछा है आर किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑब्वियसली जैसा सर ने बताया जो आर है वो किसको प्रदर्शित करेगा, स्ट्रेन को, तो आंसर आपका हो जाएगा। जनरली अपन पढ़ते हैं ना रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, तो एस तो जनरली स्मूथ का हो जाता है और आर जो होता है रफ स्ट्रेन का हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाइंड टू द डीएनए एंड कट, तो इसने आरई के फंक्शन को यहाँ एक्सप्लेन किया। देखो ये जो आरई है वो फंक्शन कैसे करता है, ये आपका हो गया डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, तो जो आरई होगा सबसे पहले डीएनए की जो लेंथ है उसका इंस्पेक्शन करेगा, और जहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट होगी वहां के ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंडिंग होने के बाद ये अपने पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं दोनों स्ट्रैंड में वहां पर कट करेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा एंड एट द सेम पॉइंट, तभी डीएनए का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि आरई का काम ही क्या है, डीएनए को ब्रेक करना, और ब्रेक तभी होगा जब दोनों स्ट्रैंड को आप क्या करोगे, कट करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखो अभी बताया मैंने आपको, इतना याद रखना है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो किसमें होता है, बैकबोन में होता है, तो बैकबोन को ही कट करेगा, और बैकबोन बनी होती है शुगर और शुगर फॉस्फेट, क्योंकि अपन जानते हैं स्टेप जो होते हैं वो तो बने होते हैं नाइट्रोजन बेस के, और जो बैकबोन होती है वो बनी होती है शुगर फॉस्फेट की, आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को यहां से कट करेगा जहां भी इसकी स्पेसिफिक साइट होगी, और अपने पास में दोनों को अलग कर देगा, बिल्कुल सेम पॉइंट पे करेगा। तो सर इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर जाएगा फोर चला जाएगा, ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स at specific points in their sugar phosphate backbone. The answer is fourth. Next question which is the following palindromic sequence is recognized by EcoR. NCERT का ये example है, और मेरे ख्याल से example NCERT से पूछता है सर, क्योंकि अभी क्वेश्चन आया था more than 900 आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से सारे restriction site याद नहीं कर सकते, बट जो NCERT में example दिए हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन डिजाइन भी करता है। तो EcoR first का जो restriction site है बड़ा सिंपल है, आपको याद रखना है GAA TTC, GAA TTC, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जो भी रेस्ट्रिकेशन एंजाइम होते हैं उनकी रेस्ट्रिकेशन साइट होती है वो पैलेंड्रोमिक होती है। पैलेंड्रोमिक का मतलब होता है कि आप उसको 5 डैश से 3 डैश रीड करो या 3 डैश से 5 डैश, अपने पास में रीडिंग सेम होनी चाहिए। तो अपने पास में जो आगे पीछे दोनों तरह से रीड करने पर रीडिंग सेम आती है वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेता है, डेफिनेशन पूछ लेता है सर। और मतलब अपने जितने भी रेस्ट्रिकेशन साइट है, मतलब मैक्सिमम रेस्ट्रिकेशन साइट जो होती है वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस रखती है। बिल्कुल। अब ये दो तरह के कट लगाते हैं इस पर, एक अपने पास में स्ट्रेट कट लगाता है और एक अपने पास में ओब्लिक कट लगाता है। स्ट्रेट कट लगाएगा तो ब्लंट एंड उत्पन्न करेगा और ओब्लिक कट लगाएगा तो सर स्टिक एंड उत्पन्न करेगा। तो अपने पास में इक्वार फर्स्ट की GATTC पर अपने पास में जो है बिल्कुल आपको डायग्राम में दर्शाई रखा है और यहां मेंशन भी किया है ये जो पॉइंट्स हैं कटिंग साइड्स हैं, और इसलिए ओब्लिक हो जाएगा सर, ओब्लिक हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वार फर्स्ट प्रोड्यूस स्टिकी है, स्टिक याद रखना। ओके, क्राई फर्स्ट एंडोटॉक्सिन ऑब्टेंड फ्रॉम बेसिलस थुरिंजियंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट, ये एग्जांपल से क्वेश्चन आ गया आपका, जो क्राई फैमिली होती है क्राई फर्स्ट एबी क्राई फर्स्ट एसी, तो यहां पर एग्जांपल दिया है तो बड़ा सिंपल है। जो क्राई फर्स्ट है वो बेसिलस थुरिंजियंसिस जो है उससे अपन क्या करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे। और ये किसके लिए इफेक्टिव होती है उसके एग्जांपल कुछ सर एनसीईआरटी में दिए हैं, सारे एग्जांपल जो है मेंशन कर ही देते हैं। ये अपने पास में क्राइजीन्स होती है, ठीक है। तो अपने पास में क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकंड एबी। तो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी है सर, ये होती है कॉटन बॉलवर्म के लिए, और अपने पास में ये जो होती है वो बोरर के लिए, स्टम बोरर के लिए, कॉर्न बोरर जो है। ये आपको तो ये तो मतलब ये चार तो आपको याद ही करना है, बिल्कुल इसमें सारे हो जाएंगे सर, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्राइजीन को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्राई फर्स्ट और क्राई सेकंड। क्राई फर्स्ट को 2 में डिवाइड किया गया है, क्राई फर्स्ट एबी और क्राई फर्स्ट एसी, और क्राई सेकंड का क्राई सेकंड एबी है। तो ये कॉटन बॉलवर्म को अपने पास में कंट्रोल करता है और ये स्टेम बोरर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। अब अपने पास में क्राई फर्स्ट का पूछा है, अब क्राई फर्स्ट का पूछा है तो क्राई फर्स्ट दोनों में ही करती है सर, ये तो कॉटन बॉलवर्म भी करती है और एक स्टेम बोरर भी, लेकिन इसमें ऑप्शन में स्टेम बोरर कोई भी नहीं है, बॉलवर्म आंसर चला जाएगा। बढ़िया एग्जाम्पल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61, विच इज नॉट इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहां फोकस करना है। फर्स्ट दिया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन, बिल्कुल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, कोर टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है जिसको यूज करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, तो ऑब्वियसली इन विट्रो है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है कि आउटसाइड पे जो भी एक्सपेरिमेंट होता है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट। विट्रो का मतलब तो अपने पास में आउटसाइड द बॉडी, और वीवो का मतलब जीवों के अंदर, इनसाइड द बॉडी। तो अपने पास में इनसाइड द बॉडी, तो अपने पास में इसका कोई पार्ट है नहीं। थर्ड दिया है करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, बिल्कुल सही है, वैक्सीन फॉर्मेशन, बिल्कुल ये सारे, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है इसके अंदर के लिए तो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है सर आजकल, बहुत सारे अपने पास में प्लांट में भी टीके अपने पास में बनाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स रिफर टू, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो आपके आरी जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दोज कट द डीएनए मॉलिक्यूल, तो उनको नाम दे दिया है मॉलिक्यूलर सीजर्स। कैंची का काम काटने का होता है तो इसको भी बोल दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इंक्लूड इन जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन, तो यहां पर सर अपने एनसीईआरटी में दे भी रखा है, अगर आपको जीएमओ का फॉर्मेशन करना है तो कौन सी जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको आपको यूज करना पड़ेगा। तो स्टेप के अकॉर्डिंग बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, बिल्कुल करेक्ट है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल में आपको उस डीएनए को ट्रांसफर भी करना है, बिल्कुल। एंड थर्ड मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट सेल, उसको उसमें इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका मेंटेनेंस, उसकी रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ताकि वो अपनी कॉपी नंबर को इंक्रीज करे, तो सारा कुछ जो है तीनों स्टेप में इंक्लूड हो गया। तो यहाँ सर तीनों स्टेप जो है जीएमओ फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। सीधी सी बात है सर, जैसे भैया आपने जीन पहचाना तो आपको निकालना है, होस्ट में ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने के बाद में होस्ट में प्रोडक्ट लेना है, उसको देख रेख करनी है, तो चारों। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया अभी थ्योरेटिकल है, बिल्कुल। वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट बाय एंडोन्यूक्लिएज लाइक आरएनए, गलत हो जाएगा, आरएनए जो है डीएनए को कट नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज प्योरीफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन
इन विट्रो, ये बिल्कुल सही है, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाले बैक्टीरिया से और उनको इन विट्रो यूज में लिया, इसलिए हमें अपने वांछित जीन, अपने जो आपको जीन चाहिए थी वो प्राप्त हुई। तो अपने पास में अगर रेस्ट्रिकेशन एंजाइम नहीं होते हमारे पास में, तो हम अपनी जो जीन होते व्हीकल जीन वो प्राप्त ही नहीं कर पाते और आगे बायोटेक्नोलॉजी आरडीएनए का फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल होता। आरई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि आरई के बिना ना तो अपन कोई जीन को ऑब्टेन कर पाएंगे और ना ही उसका आरडीएनए में जो है कन्वर्जन कर पाएंगे। द फिनोमेना ऑफ द ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया एज वेल एज अंडरस्टूड, ये कोई इसकी रेलेवेंस ही नहीं है, ये तो अपने पास में कोई, हां बिल्कुल करेक्ट, वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसने पूछा क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में ही ऑप्शन पे जाना है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन व्हिच करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल। द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया भी था, सामान्यतया कौन से जीवाणु को अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो है, देखो बैक्टीरिया काफी सारे एग्जाम्पल सर दिए हैं, लेकिन आपने बात की है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया आपको, एग्रो बैक्टीरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियम एक्ट एज वेक्टर प्लांट्स, तो इसमें अपन बोलते भी इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, बिल्कुल, बस ये सिर्फ अपने मजे के लिए जीन ट्रांसफर करता रहता था इंसान ने, तो इसको अब यूज करने लगे तो अपने पास में एग्रो बैक्टीरियम, और इसका यूज भी है जैसे सर ने बताया, वेक्टर एज ए वेक्टर इसको काम लेंगे, और किसके लिए, प्लांट्स के लिए, अगर आपको प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करना है तो वेक्टर होगा आपका एग्रो बैक्टीरियम, अपने लास्ट लेक्चर में सर बताया था। एनिमल सेल में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं रेट्रोवायरस, और बैक्टीरिया के लिए काफी सारे हैं, आपके प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, फेजमिड हो गया, ओस्मिड्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज रिलेटेड टू, काफी बार इसकी सर बातें आ चुकी है, इंसर्शनल एक्टिवेशन की प्लाज्मिड से रिलेटेड है, और इसको कब यूज करते हैं, जब आपको सेलेक्शन करना होता है, डिजायर्ड होस्ट सेल उनको सेलेक्ट करना होता है, तो आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले अपने सर डिस्कस किया था, डिजायर्ड जीन को एक पर्टिकुलर सेलेक्टेबल मार्कर में इंट्रोड्यूस करवाना है ताकि उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाए, रिलेटेड किससे होगा, सेलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, बाकी ये तो दोनों तो जीन ट्रांसफर के मेथड है, और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो कोई लेना देना ही नहीं है उससे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड इन इथिडियम ब्रोमाइड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन, दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स अपीयर एज व्हाट कलर्ड बैंड्स, बिल्कुल काफी सर ये बात कर भी चुके हैं लास्ट लेक्चर में, पूरा डिस्कस किया था, अंडे याद रखने आपको, डीएनए जो बैंड है वो विजिबल होंगे आपके ब्राइट ऑरेंज और इसको निकालना इल्यूशन, और ये दोनों जो अंडरलाइन किए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इक्वेशन में सर देखो सारी इंफॉर्मेशन अपन ने दे दी है, ये सारे आपने जो अंडरलाइन किए इंपॉर्टेंट है, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में विजिबल होंगे, इसके अलावा जो है डाइइथिडियम ब्रोमाइड, और जो कलर है वो आपका ऑरेंज, और बार बार सर इन्हीं से इक्वेशन डिजाइन कर रहा हूं, बिल्कुल ETBR का कई बार क्वेश्चन आ लिया, बहुत बार, मतलब यही है सर्वसी एक पेज भी है, तो अपने बायोटेक्नोलॉजी है सिंपल छोटी है, मार्क्स में पूरे आने के चांस, बिल्कुल अच्छा स्कोरिंग भी है, और इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम ही नहीं करना होता, केवल क्वेश्चन देखा और टिक करने होते हैं, और ये फायदा बच्चों को उठाना भी चाहिए, जो क्वेश्चन स्कोरिंग है इजी है मेरे ख्याल से, जल्दी से उनको बिना टाइम वेस्ट किए वे कवर करो, और क्या, और क्लास में तो सर नोट्सों में डायग्राम में खत्म हो जाती है, बिल्कुल थ्योरी भी ज्यादा नहीं होती है इसमें, सबसे अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट, द प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड, बिल्कुल सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन के सर काफी मेथड्स भी दे रखे हैं, उससे काफी बार क्वेश्चन पूछता रहता है, इसने बात की है होस्ट बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के लिए अपन जनरली जो प्रोसीजर काम में लेते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, इसने पूछा गया थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड द होस्ट बैक्टीरियम इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, आपने डीएनए को ऑब्टेन कर लिया, काफी मेहनत करनी पड़ती है सर डीएनए को, आपने आरई को यूज किया, बैक्टीरिया से सेपरेट किया, फिर जो है उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट किया, फर्दर उनका आइडेंटिफिकेशन करना होता है, फिर इल्यूजन करना होता है, तब जाके आपके पास डिजायर्ड जीन आता है, और अब जो डिजायर्ड जीन है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है विद इन द होस्ट सेल, अगर यहाँ बैक्टीरिया है तो उसके रेस्पेक्ट में डीएनए इसमें एंटर हो रहा है, तो इस प्रोसेसर को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, सर ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड है उसको डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने, उसने भी ये बात बताई थी कि डीएनए जो है वो एंटर होगा, और जैसे एंट्री होगी तो उसके फिनोटाइप को क्या करेगा, वो चेंज करेगा, मतलब रूप चेंज हो गया, जैसे आर स्ट्रेन पहले था वो एस स्ट्रेन में चेंज हो गया, उसका रीजन इसमें पैथोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं थी और इसमें पैथोजेनिक प्रॉपर्टी आ गई, पूरी चीजें चेंज हो गई सर, उसका पूरा रूप ही चेंज हो गया,
तो ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम बोलते हैं। Which of the following method can be used for making the bacterial cell competent for the transformation? Sir, इसकी बात भी अपन कर चुके हैं। हीट सोक मेथड। हीट सोक मेथड में आपने डिस्कस पूरा किया था, ये आपका है बैक्टीरियल सेल। और वी नो बैक्टीरियल सेल सराउंडेड बाय ए सेल वॉल। तो अगर आपको डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है तो ऑब्वियसली इजीली तो इंट्रोड्यूस होगा नहीं, क्योंकि एक तो सेल वॉल है, बैरियर का काम करेगी, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज ऑल्सो बैरियर फॉर द डीएनए। और डीएनए मॉलिक्यूल जो है सर, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, तो जो मेम्ब्रेन है उसको कभी भी एंटर नहीं होने देती। इसके लिए आपको उस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। पॉलीमर होता है तो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, वैसे वो ऐसे भी नहीं होने। तो इसके लिए देखो केवल दो ही पॉइंट याद रखते हैं। सबसे पहले अपन सर इस मीडियम में जो है ये बैक्टीरिया इस कल्चर में ग्रो कर रहा है उसमें अपन यूज करेंगे सबसे पहले कैल्शियम, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कैल्शियम जो है आपकी सेल वॉल के अंदर पोर क्रिएट कर देगा, तो डीएनए जो है सेल वॉल को क्रॉस कर जाएगा। बट अंदर भी बताया सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके लिए ट्रांसपोर्टर का फंक्शन करेगी नहीं। उसके लिए फिर क्या करेंगे अपन, इसको पहले 0 डिग्री, देन 42 डिग्री, देन 0 डिग्री पे प्लेस करेंगे। तो 42 डिग्री टेंपरेचर जैसे अपन इसको देंगे, ऑब्वियसली यहां पर हीट सोक मेथड जिसको अपन बोलते हैं, वहां मेम्ब्रेन को इजीली क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। मेम्ब्रेन एक लिक्विड ही तो है, लिक्विड है तो 42 पे थोड़ा सा वो अपने पास में गैप दे देता है, इसके कारण से ये अपने पास में क्रॉस कर जाएगा सर, तुरंत 0 पे रख देंगे तो जो गैप है बने रहते हैं। बिल्कुल, तो यहां उसके अकॉर्डिंग देखो सर, ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन बिल्कुल गलत है, ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ मोनोवेलेंट गलत हो जाएगा। हीट सोक यूज करते हैं अभी बताया आपको, तो यहां पर आंसर सिंपल है सर, फोर्थ वन एंड थर्ड आंसर इज फोर्थ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू द सेल? तो वही आपका आ गया कि आपको सेल के अंदर जीन को ट्रांसफर करना है, डीएनए को ट्रांसफर करना है, तो कौन सी टेक्निक काम में लेते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इससे भी नीट में काफी बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वहां पर यूज में लेते हैं अपन हीट सोक मेथड, डिस्कस किया है। अगर आपके पास एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के लिए मेथड जो बेस्ट मेथड है वो यूज लेते हैं अपन माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें अपन डायरेक्टली जो डीएनए को एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वेक्टरलेस मेथड हो जाता है, वेक्टरलेस मेथड होगा। और अगर प्लांट सेल में अगर आपको इंट्रोड्यूस करवाना है तो इसके लिए काम में लेते हैं जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आता है इसमें जीन गन, ये वेक्टरलेस मेथड हो गए, और एक ऑप्शन है सर इसमें ये वेक्टर वाला है। बिल्कुल, तो यहां यूजिंग दिस आर पैथोजन तो अपन वेक्टर को काम में ले सकते हैं, जैसे रेट्रोवायरस हो गया, रेट्रोवायरस वगैरह ये हो गए। तो अपने पास में सर ने बताया है आपको माइक्रो इंजेक्शन जो है वेक्टरलेस है, डायरेक्ट अपने पास में करा देंगे और ये सारा हो गया। तो यहां पर आंसर चला जाएगा आपको। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर उसने बोला है बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल सेल, उसके रेस्पेक्ट में फिर ऑप्शन जो है चेंज हो सकता है। एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट सेल में आपका जीन गन मेथड, और ये दोनों क्वेश्चन काफी बार आ भी चुके हैं, तो ये आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग हीट शॉक टू बैक्टीरियम द टेंपरेचर इज यूज्ड, अभी बात की है 42 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्योरीफाइड डीएनए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डीएनए को आइसोलेट करना है सेल से, ऑब्वियसली वहां पर काफी सारे मेथड एक बार डिस्कस कर ही देते हैं सर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर उस अपनी होस्ट सेल को यहां पर ऐड कर देंगे, तो उसमें डिफरेंट अपन मेथड काम में लेते हैं, एंजाइम यूज करते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है, लाइसिस एंजाइम, बिल्कुल, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल ब्रेकर को अपन यूज करेंगे, अगर प्लांट सेल है तो सेलुलेज, अगर आपका फंगल सेल है तो काइटिनेज, और बैक्टीरियल सेल है तो उसमें अपन सेलुलेज जो है लाइसोजाइम को यूज करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्रोटीएज, उसके बाद में अपन फिर इसके अंदर ऐड करते हैं चिल्ड एथेनॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट है चिल्ड एथेनॉल, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है चिल्ड एथेनॉल, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस ये चिल्ड एथेनॉल जैसे ऐड करेंगे तो ये प्रेसिपिटेशन को बेटर कर देगा, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल है सर इसके पास नेगेटिव चार्ज है, अदर जो डेब्रिज होती है इसके साथ अटैच हो जाती है, तो चिल्ड एथेनॉल काम में ले लिया तो सेपरेट हो जाएंगे बिल्कुल, इसका जो प्रेसिपिटेशन वो बेटर होगा। एंड फाइनली अब इसका करवाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कराओगे तो डीएनए मॉलिक्यूल आपका पैलेट की फॉर्म में जो है डिपॉजिट हो जाएगा, एंड फाइनली स्पूलिंग की हेल्प से इसको अपन क्या कर लेंगे आइसोलेट कर लेंगे। जनरली 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं सर, चिल्ड एथेनॉल हो गया, एंजाइम जो है याद रखने आपको कौन सी सेल काम में ले रहे हो तो कौन से एंजाइम को अपन ट्रीट करवाएंगे।
चार पांच लाइसिस वाले अपने पास में एंजाइम इसमें यूज होंगे, सेल वॉल ब्रेकर जो है, सेल वॉल ब्रेकर प्लांट है तो अपने पास में सेलुलेज एनिमल के लिए कोई यूज होगा नहीं क्योंकि इनमें सेल वॉल होती नहीं है, और बैक्टीरिया है तो सर ने बताया लाइसोजाइम, और अपने पास में इसको लिख देते हैं अपन तो अपने पास में, और अगर अपने पास में फंजाई है तो सर काइटिनेज हो जाएगा, तो ये अपने पास में एंजाइम बिल्कुल सारे इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लिखा। If many copies of target DNA is to be expected, which vector is preferable? तो सिंपल सा पूछा है कि कौन सा जो वेक्टर है उसका कॉपी नंबर ज्यादा होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। तो यहाँ देखो वेक्टर है numerous restriction site, इसका कोई लेना देना नहीं है। वेक्टर whose origin site support high copy number, बिल्कुल जिसका कॉपी नंबर हाई होगा, अभी थोड़ी देर पहले सर अपने बताया था ओरी साइट, also responsible for the replication and also control the copy number of linked DNA. तो अगर आपका जो ओरी साइट है हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर रही है तो उसको अपन ज्यादा यूज करेंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड। व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है उसको आपको सेलेक्ट करना है। प्लाज्मिड्स आर वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक जीन ट्रांसफर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दीज आर फाउंड इन वायरसेस, गलत हो गया, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं बैक्टीरिया में जो जीने के लिए आवश्यक जीन नहीं रखते बट एक्स्ट्रा बेनिफिशियल जीन रखते हैं। प्लाज्मिड कंटेंट्स जीन फॉर वाइटल एक्टिविटीज, नहीं अभी सर ने बताया वाइटल एक्टिविटीज के लिए जीन नहीं, इनका केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना, जैसे अभी सर ने बताया नाइट्रोजनेज वगैरह को कोड करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो इनके कोई दो चार जो है फंक्शन है बट नॉट वाइटल फॉर द बैक्टीरिया। And fourth, these are main part of the chromosome, नहीं है chromosome से, अभी सर ने बोला extra chromosomal DNA molecules होते हैं, तो यहाँ सर अपना आंसर हो जाएगा बड़ा सिंपल है, plasmid widely used in gene। plasmid का आप ऐसे ऐसे ध्यान रख सकते हो जैसे अपने पास में बरसात के दिनों में अपने पास में सर छत्ता होता है तो वो अपने को एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देता है कि अपन भीगते नहीं है, बाकी अपने पास में उसका ये नहीं है कि अपन भीग गए तो मर जाएंगे, तो अपने पास में वैसे ही प्लाज्मिड एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है बैक्टीरिया को, वो जीने के लिए आवश्यक नहीं होता है लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेस, काफी बार बात हो चुकी है, सिंपल सा है सर, सीधा आंसर कर रहे हैं आर ई कट द डीएनए एट पर्टिकुलर साइट इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। व्हाट वुड हैपन इफ एलियन डीएनए इज inserted within the coding sequence of an enzyme galactosidase, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसको कोड जो करेगी वो आपकी होती है लैकजेट जीन, तो यहां से ये इसने एक थोड़ा सा क्या है कि बात की है वेक्टर से रिलेटेड, उसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एनसीईआरटी में क्लोनिंग स्ट्रेटजी दे रखी है जिसमें कलर के बेसिस पे अपन क्या करते हैं जो आपका होस्ट सेल उनको आइडेंटिफाई करता है, और इसमें एनसीईआरटी की थ्योरी भी थोड़ी अलग ही है सर, वो बच्चों के साथ यहां जो वेक्टर है वो आपका पीयूसी है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उस वेक्टर के अंदर दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं दोनों को याद करवाई देते हैं, एक तो आपका लैकजेट, लैकजेट जीन और दूसरा होता है एएमपीआर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो जो लैकजेट जीन है उसका फंक्शन मॉलिक्यूलर में भी आ चुका है, लैकजेट जीन कोड्स फॉर गैलेक्टो बीटा गैलेक्टोसाइड, और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या करता है जैसे लैकोपेरोन आपने स्टडी किया है वहां तो क्या करेगा जो आपका लैक्टोज है उसका ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन यहां पर एक इसका सर ओवर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जिसको बोलते हैं एक्स गैल, एक्स गैल जो एक्स गैल है दैट इज द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, तो ये एंजाइम क्या करेगा इस एक्स गैल को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है जिसका कलर आता है ब्लू, क्रोमोजेनिक का मतलब कलर आना, कलरफुल, तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू द कलरफुल प्रोडक्ट। तो अगर आपको इसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है या नहीं है तो बड़ा सिंपल है, उसमें आप एक्स गैल जो है वो ऐड कर दो, एक्स गैल जैसे ऐड करोगे कलर अगर ब्लू हो गया इसका मतलब वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है, और यहां पर भी देखो सर स्ट्रेटजी वही काम में लेंगे आपका इनसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो इस केस में अपन लैकजेट जीन का करवाएंगे इनसर्शनल इनएक्टिवेशन, जैसे इसको आपने इनएक्टिवेट कर दिया तो ऑब्वियसली बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शन नहीं करेगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा सर, इसमें इंजेक्ट कराएंगे तो ये बन गया आरडीएनए, और आरडीएनए अपने पास में बीटा गैलेक्टोसाइड, और जिस सेल में आरडीएनए होगा तो ऑब्वियसली वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी, कलरलेस कॉलोनी होगी, और उसी के बेसिस पे अपन उनको क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ देखो सर वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसने पूछा गया हैपन इंसर्टेड, क्या घटित होगा जब आप क्या करोगे उस जीन को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कोडिंग जीन के अंदर ट्रांसफर करोगे, तो बड़ा सिंपल है, This will result in the inactivation of the enzyme. बिल्कुल सही बात है। अभी बात की inactivate हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट विल गिव ब्लू कलर्ड कॉलोनी, नहीं ये गलत हो जाएगा, ब्लू कलर्ड कॉलोनी प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब एंजाइम होगा तब ब्लू कलर कॉलोनी, क्योंकि यहां तो एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, बिल्कुल सही बात अभी डिस्कस किया है, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे ड्यू टू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कोडिंग जीन। तो यहां पर आंसर सर सिंपल सा है, फर्स्ट सेकंड, तो यहां थर्ड फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो स्ट्रेटेजी भी इंपॉर्टेंट है, सारी डिस्कस भी कर लिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कवर करना है। व्हिच एंजाइम डेफिशिएंसी विल लीड टू अ डिजीज कॉल्ड स्किड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्किड डिजीज दे रखी है, उसकी जीन थेरेपी भी दे रखी है, तो सर थोड़ा सा स्किड को भी आपने एक्सप्लेन कर दो ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। सर्वाइव कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है, इसमें अपने इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो अपने पास में इसके लिए अपने पास में एडीए जीन होती है, और एडीए जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एडिनोसिन डीएमएनएज। एडिनोसिन डीएमएनएज जब बनता है तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो प्रॉपरली वर्क करती है, जब ये नहीं बनेगा तो डब्ल्यूबीसी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, और डब्ल्यूबीसी जब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो अपने पास में सीधा सा मतलब है इम्यून सिस्टम जो होगा वो अपने पास में कमजोर हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो वही एड्स वाली कंडीशन हो जाती है, उसमें अपने पास में बहुत सारी अपने पास में डिजीज होने की चांसेज होती है, वो अपने एनवायरमेंट में बच्चा उसमें कर नहीं पाता है। इसके लिए अपने पास में क्या हुआ, जीन थेरेपी की गई, और अपने पास में जीन थेरेपी इसका इलाज की गई थी सर जो 1990 में की गई थी, तो अपने पास में ये एडिनोसिन डीएमएनएज की कमी को पूरा करने सर ने बताया कौन से एंजाइम की कमी हो जाती है यहां पर, एडिनोसिन डीएमएनएज एंजाइम। डब्ल्यूबीसी जो है मैन आपको ये जाना फंक्शनली नहीं हो पाती है पूरी तरह, और अपने पास में या तो आप इसको क्या करो कि बार बार अपने पास में जो है कुछ सेल्स में एडीए डालो, एडीए डालोगे तो उसकी डब्ल्यूबीसी अपने पास में मजबूत होगी, लेकिन इतना प्रोसेस हो नहीं पाता है ना, हर बार सेल्स को निकालना उनके अंदर फिर एडीए आर्टिफिशियली इंजेक्ट कराना, तो इसका अपने पास में जो जीन थेरेपी उपचार है वो सबसे बेटर है। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंक्शनल सीडीएनए ऑफ एडीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल ऑफ द पेशेंट बाय यूजिंग ए वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट है, वही पुरानी बात घूम के आ गई, ऑब्वियसली एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल के लिए बड़ा सिंपल फंडा है, कौन सा वेक्टर काम में लेते हैं, रेट्रो वायरस, ये अपने पास यू सस्पेक्ट योर पेशेंट टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बैक्टीरियल डिजीज, हाउएवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द पेशेंट बॉडी इज वेरी लेस, Which method can help you detect these pathogens in the laboratory? मेरे ख्याल से सर इसकी बातें भी हो चुकी हैं। हाँ, ये molecular diagnosis के according है। अगर bacteria का या pathogen का number body में बहुत कम है, उसने अगर कोई infection या कोई symptom disease के represent नहीं किए हैं, तो उस condition में अगर आपको उस pathogen को detect करना है, तो आपको केवल और केवल molecular diagnostic method ही काम में लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पूछा है these pathogens in the laboratory, तो कैसे आप use करोगे, कौन से method काम में लेते हैं, तो यहाँ सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो एलिजा जो टेस्ट है वो अपन उसको अपन यूज में ले लेते हैं। ये क्वेश्चन सर इसलिए इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाता है कि एलिजा जो है अपन जनरली ये एड्स के लिए अपन काम में लेते हैं, तो अपन ये सोचते हैं कि वायरस के लिए अपने पास में हो सकता है एलिजा, तो बैक्टीरिया के लिए तो हो ही नहीं सकता, तो बाकी हाइब्रिडोमा वगैरह किसी भी ऑप्शन में एलिजा के बारे में सोचता ही नहीं है बच्चा, और दूसरे ऑप्शन में चला जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिजा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन टेस्ट है, काफी पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं, कोई भी पैथोजन इससे डिटेक्ट हो सकता है। हाउ बीटी टॉक्सिन किल द टारगेट इंसेक्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ कॉटन प्लांट्स, स्ट्रेटजी सर ये डिस्कस हुई थी लेकिन एक बार फिर से बता दो, जो आपका बीटी टॉक्सिन है किस तरह से इंसेक्ट को किल करती है। देखो बीटी टॉक्सिन जो होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्राइजिन का प्रोडक्ट होता है, तो क्रिस्टल फॉर्म में अपने पास में ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे ही ये अपने पास में इंसेक्ट इसको अपने पास में खाता है तो ये क्रिस्टल जो होते हैं ये मिडगट में जाते हैं। देखो बेटा अपने पास में सीधी सी बात है, जो फोरगट होती है और हाइंड गट होती है इसमें पाई जाती है काइटिन, तो काइटिन की वजह से इन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो काइटिन तो वैसे ही अपने पास में हार्ड सब्सटेंस है, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इंसेक्ट की मिड गट जो होती है इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर होती है बेसिक पीएच, और इसके बेसिक पीएच के ऊपर अपने पास में ये क्रिस्टल प्रोटीन एक्टिव प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, और एक्टिव प्रोटीन में चेंज होते ही ये बन जाता है एपिथीलियम सेल्स के अंदर।
एपिथीलियम सेल्स से अपने पास में ये बाइंड होकर के और उसमें क्या कर देता है, पोर का फॉर्मेशन कर देता है। जैसे ही पोर बनेंगे वैसे ही वॉटर अपने पास में मिडगट में होगा सर, वॉटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा और वॉटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाने के कारण से स्वेलिंग के कारण से मिडगट फट जाएगी और इंसेक्ट की हो जाएगी डेथ। तो अपने पास में यही प्रोसेस होता है। सारा कुछ सर आपने समराइज कर दिया है। बेसिक पीएच पर एक्टिवेट होगा मिडगट, ये भी पूछ लेता है मिडगट फोरगट और मिडगट, तो आंसर जाता है आपका मिडगट। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं नष्ट करता है तो मिडगट सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस। तो मेरे ख्याल से सर ये चला जाएगा बिल्कुल सिंपल, इसके अलावा कोई इनकी रेलेवेंसी है नहीं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। TDNA is found in, TDNA is found in TI plasma. अभी अपने बात की थी Agrobacterium tumefaciens, तो उसके अंदर देखो एक स्पेसिफिक प्लाज्मिड होता है जिसको अपन बोल देते हैं TI plasmid, tumor inducing plasmid, और जो tumor inducing plasmid है उसमें एक पर्टिकुलर DNA का एक रीजन है that is called TDNA. TDNA is the part of TI plasmid that is transfer DNA. जब ये इन्फेक्शन करेगा तो TDNA ही सर प्लांट सेल जो है, जो होस्ट प्लांट सेल उसके अंदर ट्रांसफर होता है TDNA एंड कोज द ट्यूमर, कैंसर को कोज करेगा। तो यहाँ पर देखो इसका प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, एंड सेट ने दिया भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा TDNA फाउंड इन सिंपल पूछा है TI प्लाज्मा, किसका पार्ट होगा TI प्लाज्मा। ठीक है सिंपल है, इतना ही काफी है इसके लिए। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कोल्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कोल्ड रोजी एंड प्रोड्यूस अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसको डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन मिल्क में पाई जाती है भाई, जिनके बच्चों की माँ वगैरह जो होती है पहले प्रेगनेंसी के बाद में मर जाती है, तो उन बच्चों को रोजी का दूध ज्यादा उपयोगी होता है, पर अपने आजकल तो गायों का भी पिला देते हैं। बाकी अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है वो रोजी के में ही होती है, ट्रांसजेनिक काउ में होती है, सब काउ में नहीं होती। इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड, सर इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाइए दो, काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्टिव इंसुलिन का स्ट्रक्चर, एक्टिव इंसुलिन जो होता है उसमें अपने पास में दो पॉलीपेप्टाइड होती है ए और बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, ये अपने पास में एक्टिव इंसुलिन है। अगर प्रो इंसुलिन हो तो उसमें एक पॉलीपेप्टाइड और होती है सर। यहां बात की है उन्होंने इंसुलिन की, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं लगाया तो आपको एक्टिव को ही कंसिडर करना है। उसके अकॉर्डिंग सर ने देखो डायग्राम बना दिया, टू पेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट, सही है। द चेन्स आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज सीक्रेटेड इन एन एक्टिव प्रोइंसुलिन फॉर्म, जिसका सीक्रेशन होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट की जाती है। पूछा क्या है सर, इनवैलिड पूछा है, सी पेप्टाइड इज एडेड टू द एक्टिव इंसुलिन, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा सर, हटाई जाती है ना कि एड की जाती है। ऑल द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम टैप पॉलीमरेज एक्सेप्ट, बिल्कुल इसकी बातें हो चुकी हैं सर, डायरेक्ट अपन चलते हैं स्टेटमेंट पे। इट इज प्रोटीन इन नेचर, तो ऑब्वियसली एंजाइम है तो प्रोटीन ही होगा। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, बिल्कुल करेक्ट है, थर्मोसिडोफिल बैक्टीरिया मेथनोजेन, यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, बिल्कुल सही है। अगर आपको एम्प्लीफिकेशन करवाना है तो अपन जनरली पीसीआर में इसी को काम में लेते हैं। इट्स ऑप्टिमम टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्सियस, गलत हो गया, 72 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो यहां पर आपका इनवैलिड हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ। Which of the following is incorrect match? Matching दे रखी है सर, जो incorrect match उसको अपने को select करना है। तो पहला matching देखें, gene therapy, an abnormal gene is replaced by normal gene, बिल्कुल सही। Embryo stage में abnormal gene को हटाओ और उसके जगह normal gene transfer। Cloning, ability to multiply copies of gene, बिल्कुल सही बात है। Restriction enzyme, molecular scissor, correct है। Exonuclease, molecular glue, ये incorrect हो जाएगा, क्योंकि जो molecular glue है वो होता है आपका DNA ligase। DNA ligase। यहाँ पर दे रखे हैं एक्सोन्यूक्लियस, तो यहाँ इनकरेक्ट मैचिंग होगी, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये सर इसकी कॉपी जो क्लोनिंग होती है डीएनए की वो की जाती है किसके द्वारा, पीसीआर। प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल हूज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट एप्लीकेबल टू द जीएम प्लांट्स। वही सर जीएम प्लांट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि जो जीएम प्लांट है उसके लिए एप्लीकेबल कौन सा नहीं होगा। सारे स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं, रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही बात है सर, ये सही बात है। केमिकल के लिए अपने पास में कम होती है उसकी अपने पास में निर्भरता, क्योंकि अपने पास में जीएम करो खुद ही अपने पास में रेजिस्टेंट हो जाते हैं। प्रिवेंट अर्ली एब्जॉर्प्शन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बिल्कुल सही बात है। ये जो जीएम क्रॉप्स होती हैं वो जनरली क्या करते हैं, जो मिनरल एब्जॉर्प्शन उनका ज्यादा होता है, ज्यादा यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली जो सोइल की फर्टिलिटी है वो काफी लंबे टाइम तक क्या रहेगी, मेंटेन, तो
उन्होंने यही दिया, ये शीघ्र मृदा उर्वरकता समापन को क्या करेंगे, रोकेंगे, करेक्ट है। क्रॉप लेस टॉलरेंट टू एंटीबायोटिक स्ट्रेस, सर यही गलत हो गया, मोर टॉलरेंट होना चाहिए, लेस, क्योंकि जो एंटीबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, उनके प्रति ये अधिक सहजन होती है, ठीक है। तो यहाँ स्टेटमेंट थर्ड वाला है जो रॉन्ग, आंसर भी अपना ये होगा। एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं, एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, ये बिल्कुल सही है। गोल्डन राइस की बात की थी अपन ने, गोल्डन राइस में विटामिन ए जो है वो ज्यादा होता है, रिच होता है, तो ऑब्वियसली वो फूड की जो वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। Which of the following cryogen codes for the protein which can control the corn borer effectively? वो सर वापस क्वेश्चन आ गया, तो corn borer का आपने एग्जांपल बताया भी था, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, cry, ये रहा cry second, sorry cry first AB, सर ने भी एग्जांपल बताया था, cry first AC and cry second AB to control the cotton borer and cry first AB control the corn borer, और ये बिल्कुल उसमें आ जाएगा पूरा, बिल्कुल ये तभी एग्जांपल दिए सर, ताकि रिवीजन में क्या करना है, आपको एग्जांपल याद रखने, और जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जांपल्स की भी, तब तक वो याद नहीं रहते, दिमाग से निकल जाते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम निमेटोड, इन दिस टेक्निक फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द निमेटोड इज साइलेंट बाय siRNA प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट प्लांट, बिल्कुल सिंपल सा है। इन दिस टेक्निक इसमें अपन यूज क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड जो आपका आरएनए होता है उसको यूज करेंगे, इसके लिए साइलेंट करने के लिए, लेकिन इन्होंने पूछा गया, इन दिस टेक्निक द टारगेटेड प्रोटीन, ऑप्शन दे रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एमआरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, तो यहां पर देखो डिस्कस किया भी था सर अपन ने, जो एमआरएनए है इसका निमेटोड का, उसको अपन साइलेंट कर देते हैं, और वो साइलेंट कौन करेगा, डीएस आरएनए, जो होस्ट सेल के अंदर अपन पहले से उसको अपन जो है इंसर्ट करवाएंगे करवाएंगे और उसको एक्सप्रेस करवाएंगे, दैट साइलेंट द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमेटोड, और वी कैन से दैट एमआरएनए ऑफ द पैथोजन, उसको साइलेंट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल सा होता है सर, अपन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करके डाल देंगे, ये दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएंगे, ये दोनों एमआरएनए एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये दोनों आपस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, डिजायर प्रोटीन इसको तोड़ेंगे, तो अपने पास में इसके टुकड़े जो होंगे वो जो निमेटोड आरएनए डालेगा उस पे जाकर जुड़ जाएंगे, ये वापस उसको डबल स्ट्रैंडेड बनाएंगे, फिर उसको वापस से क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, यही है अपने पास में आरएनए इंटरफेरेंसेस। हाउ डज अ बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी अच्छा काफी क्वेश्चन है, डिस्कस किया भी था सर, जो आपके आरई होते हैं बैक्टीरिया ने डेवलप इसलिए किए हैं ताकि वो क्या करें, अपने आप को प्रोटेक्ट बैक्टीरियोफेजेस से, लेकिन एक अच्छी बात है कि वो अपने खुद के डीएनए को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, और मेरे ख्याल से आपने बताया भी था मिथाइलेशन, वो क्या करेंगे खुद के डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा देंगे, ताकि उनका जो मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो आरई उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मिथाइलेशन जो प्रोसीजर, उसकी हेल्प से वो क्या करेंगे मॉडिफिकेशन, तो यहाँ एडिंग मिथाइल ग्रुप टू द एडिनिन एंड साइटोसिन बाय एडिंग स्टोन बाय एडिंग, तो यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है मिथाइल ग्रुप का एडिशन, बैक्टीरियल सेल हो जाएगा, प्लाज्मिड बिल्कुल गलत हो गया, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल नहीं कह सकते, नहीं ऑल प्रोकैरियोटिक सेल नहीं कह सकते, 900 के लगभग अपने पास में बैक्टीरिया से अपन ने ऑब्टेन किया, तो अपने पास में ऑल प्रोकैरियोट अपन बोल नहीं सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट में उसमें ओनली इन प्रोकैरियोट बट नॉट इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ प्लाज्मिड व्हिच इज आल्सो यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर इन सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, सर थोड़ी देर पहले अपने बात की है, जो पीयूसी वेक्टर है वहां पर अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ साथ काम में लेते हैं लैक्जेट, एंड लैक्जेट जीन जो है वो किसको कोड करे भी बताया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, तो ऑब्वियसली यहां हो जाएगा सर बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोडिंग जीन, तो इसको अपन यूज करते हैं, दैट इज लैक्जेट जीन, बिल्कुल यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ PCR और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सर काफी सिंपल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, टेंपरेचर के साथ में और मैच करवा लेता है, इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर ही देते हैं ताकि इसमें दो चार क्वेश्चन बनते हैं। देखो अपने पास में सबसे पहले डीएनए का ही अपन ने एक सेगमेंट लिया जिसको अपनी कॉपी बनानी है,
तो सबसे पहले इसका होता है डिनेचुरेशन, दोनों अपने पास में जो श्रृंखलाएं हैं वो अपने पास में क्या होती है, अलग होती है। तो ये टेम्परेचर लगभग जाता है सर 94 डिग्री, तो 94 डिग्री पर हाइड्रोजन बॉन्डों का ब्रेकडाउन हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ब्रेकडाउन होता है वैसे डीएनए के दोनों सेगमेंट जो होते हैं वो अपने पास में अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब सर फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि अपने पास में तुरंत टेम्परेचर को हम कम करते हैं और अपने पास में 42 डिग्री के लगभग इसमें प्राइमर जुड़ता है। प्राइमर जुड़ता है, प्राइमर का जुड़ना अपने पास में एनिलिंग कहलाएगी, एनिलिंग। फिर उसके बाद में अपने पास में इसको ले जाता है 72 डिग्री पर, जहां पर अपने पास में डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो अपने पास में टैग पॉलीमरेज होगा, इस स्टेज को बोलेंगे एक्सटेंशन, और ये अपने पास में पूछ लेता है। और अपने तो बायोटेक्नोलॉजी में तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, क्योंकि बायोटेक जो है देखा जाए तो 12th से ही स्टार्ट हो रही है, उससे पहले बच्चा बायोटेक का इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ता है। तो 12th में बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट है तो ऑब्वियसली बेसिक ही देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी ब्रॉड फील्ड है बायोटेक, काफी टेक्निकल फील्ड है, तो यहाँ एक बेसिक जो है इन्फॉर्मेटिव चैप्टर उन्होंने डिजाइन किया, और क्वेश्चन भी वही से डिजाइन किया। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज ऑफ स्टीरिंग टाइप, स्टीर मेनली फैसिलिटेट, ये भी बात हो चुकी है, तो उसका जो मेन फैसिलिटेट शो करेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सर काफी स्टेटमेंट दिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको अपने को सेलेक्ट आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्लाज्मिड हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और इंडिपेंडेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसको अपन डिफाइन कर देते हैं। Some plasmids have only one or two copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies. सही बात है सर, इसके जो copy number है वेरी करता है, 1 to 100 एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, depend on the oocyte. जिसका oocyte ज़्यादा copy number को support करेगा, obviously उसका copy number ज़्यादा हो जाएगा, तो statement correct हो गया। Bacteriophage have the ability to replicate within the bacterial cell independent of the control of the chromosomal DNA. Obviously, bacteriophage को भी use करते हैं sir, as a vector, उसका भी क्या है? Multiplication करेगा, उसका भी जो chromosome है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। Fourth statement क्या कह रहा है? Transformation is a procedure of separation and isolation of DNA fragment. तो sir, गलत हो जाएगा। Transformation तो बस transfer वाला है, इसका हाँ। तो separation से कोई लेना देना ही नहीं है। Isolation separation तो अपन करेंगे किससे? Gel electrophoresis. Which of the following statement is correct? Correct को identify करना है सर, काफी बात हो चुकी है मेरे ख्याल से, इतने क्वेश्चन आने के बाद जो तो गलत होने के चांस नहीं हो सकते। Proinsulin has A peptide, B peptide and C peptide, बिल्कुल सही है। Proinsulin needs to be processed before it become a fully mature and function hormone, बिल्कुल सही बात है। Processing करेंगे, सर ने बताया था C peptide को वहां से जाकर रिमूव होगा। C peptide is not present in mature insulin. ये भी सर करेक्ट है, तो मेरे ख्याल से तो सारे स्टेटमेंट क्या हो गए? करेक्ट होते हैं all of these. Which of the following restriction site present within ampicillin resistant gene of the PBR322 vector? ये अपने डायग्राम सर बनाए दिया था। तो उसमें आपका PST1 चला जाएगा। PST1 चला जाएगा। Which of the following restriction endonuclease not produce sticky end? तो यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है। EcoR first sticky end produce करेगा, बिल्कुल। Salvan Bamechua sticky end, Hind second produce blunt end, और इसको रटना नहीं है। आपके NCERT में जो example में जो दे रखा है ना, वो सारे sticky end producing है, but जो Hind second है, जो first discovered है, वो क्या है? Blunt end producing। तभी तो उसको sir use में भी नहीं लेते। बिल्कुल। जो PBR322 उसमें सारे कौन से वाले हैं? Those produce sticky end। Sticky end। तो Hind second जो है important इसलिए है कि ये first discovered है बस। Hind second ही है जो अपने पास में क्या करता है? अपने पास में जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि हिंड थर्ड जो है वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। तो कभी एक बस सिर्फ एक डंडा लगाएगा और काम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें। Probe gene of PBR322 codes for, बड़ा सर सिंपल बात होगी कि codes for the protein involved in the replication of the plasmid, ठीक है? तो अपन पास में ये पहले भी बता चुके हैं। स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर
आर डिजाइन फॉर, वापस वही सेम कांसेप्ट आ गया, उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपने पास में इनको डिजाइन किया गया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है देख लेते हैं सर एक बार। कॉस्मिट ए वेक्टर फॉर कैरिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट विद द होस्ट सेल, बिल्कुल सही बात है। कॉस्मिट जो उसका जो इंसर्ट साइज होता है वो काफी होता है, उसको यूज भी करते हैं अपन। हाइब्रिडोमा, हाइब्रिड सेल व्हिच फॉर्म मैप्स, ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। प्लाज्मिड इज अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, सर अभी बात की थी, बिल्कुल सही हो गया। ऑल ऑफ दीज को यहां पर करेक्टली मैच सारे ही हैं, सारे ही हैं और ये कैंसर में यूज की जाती है हाइब्रिडोमा टेक्निक, तो अपने पास में सारे ही ऑल ऑफ द। तो ये क्वेश्चन हो गए सर अपने 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन हो गए बायोटेक्नोलॉजी टोटल, ठीक है। इसमें एक गुरुनीति और प्रोवाइड करवाएंगे अपन, जिसके अंदर बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस वगैरह हैं या कुछ रिपीट क्वेश्चन आ जाएंगे सेम कॉन्सेप्ट के, जो काफी बार इंपॉर्टेंट भी आते रहते हैं, एक बार का पूरा मिला करके और एक हो जाए। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि बायोटेक में आपने अगर 150 क्वेश्चन यहां दे दिए हैं तो उससे बाहर तो क्या जाएगा, क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं बार बार, लेकिन याद रखना है और उनका करेक्ट आंसर आपको देना है, जल्दीबाजी में कोई मिस्टेक नहीं करना, सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने और बस इतना धैर्य रखो कि ऑप्शन सारे पढ़ो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में मोर देन वन करेक्ट है पर करेक्ट कौन सा ज्यादा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, जैसे आपने बताया था ऑप्शन सारे के सारे रीड करने हैं। कई बार क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है लेकिन मोर रेलिवेंट अगला हो सकता है, जो ज्यादा उसको प्रीफर कर लेते हैं, तो ऑप्शन चारों रीड करके ही आंसर पे आपको जाना है। कई बार क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा सही दिखा, बच्चा टिक करके अगले पे चला जाता है, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो सर हो गया आज का लेक्चर, अब नेक्स्ट जो है एपिसोड में मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी थर्ड गुरुनीति के साथ। ओके, तो हम भी आशा कर रहे हैं आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन एंजॉय के साथ साथ आपको चीजों को समझना भी है कि भाई ये क्वेश्चन होने के बाद आपके नीट में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ओके सर, ऑल द बेस्ट।